देव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। ब्रह्म वर्चस्व कैसे जगाती हैं गायत्री, इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मंत्रों का रिपीटेशन बार बार क्यों किया जाता है। यदि आप मंत्रों का जाप करते हैं तो इसको सिर्फ जीभ की नोक से दोहराना जरूरी नहीं है, उसके लिए मंत्र को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, उसकी शिक्षाओं को धारण करना पड़ता है। आइए जानते हैं इससे आगे। भगवान रामचंद्र की सीता जी को रावण चुरा ले गया। रामचंद्र जी ने पहाड़ों से, नदियों से, तालाबों से, पेड़ों से, हवा से, हर एक से पूछताछ की कि कहीं सीता आपने देखी है। सीता के बिना राम बिल्कुल निर्जीव से हो गए थे, उनकी जीवात्मा निकल गई थी। वे हारे थके हुओं के तरीके से वन वन में घूम रहे थे और सीता सीता पुकारते थे। हम भी पुकारते हैं अपनी जीवात्मा को, जिसको कि हमने गवा दिया है, खो दिया है। सांप के फन में से और हाथी के सिर में से मणि निकल जाती है तो वो बेकार हो जाता है। सांप और हाथी के सिर में ये मणि होती है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मानता हूँ कि मनुष्य के भीतर एक मणि अवश्य होती है, जिसको गवा देने के बाद आदमी निष्प्राण हो जाता है, निस्तेज, निर्जीव, छूछ हो जाता है और व्यथाओं, कष्टों, चिंताओं से घिर जाता है। सारे जीवन पर निराशा के बादल छा जाते हैं। वो मणि है हमारी जीवात्मा, जिसको हमने गवा दिया। अब तो लोहार की मरी हुई धोकनी के तरीके से सांस भर चलती है, आज आदमी मरे हुए के बराबर है। मनुष्य जीवन के साथ जो श्रेष्ठताएँ, उमंग, उत्साह और उल्लास जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें कि आदमी अमृत के तरीके से बिखेरता रहता है, वो चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे खोजे हुए बेचैन एवं चिंतित आदमी को मैं मरे हुए में शुमार करता हूँ। सीता जी के चले जाने के बाद रामचंद्र जी चिंतित हुए, दुखी हो गए थे और अपने उत्साह, आनंद, अपनी खुशी को सीता के नाम से पुकारते थे। हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी सीता को पुकारिए, आत्मा को पुकारिए, जिसका नाम हमने गायत्री माता रख दिया है। गायत्री माता को पुकारने के लिए, गायत्री मंत्र का जप करने के लिए हमने कहा है। गायत्री माता क्या हो सकती हैं? गायत्री माता बेटे आपकी जीवात्मा हो सकती है और वो उच्च स्तरीय जीवात्मा जब आपके अंतःकरण में प्रवेश करती है तो आपको आनंद और उल्लास से भर देती है और देवता बना देती है। वो गायत्री माता जो 20 साल पहले आपको एक छवि के रूप में सुपुर्द की थी, जिसको आप चंदन धूप बत्ती चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे, माला घुमाते थे, बहुत पुरानी बात है। जब आप छोटे बालक थे तब हमने बताया था कि गायत्री माता हंस पर सवारी करती हैं और हाथ में पुस्तक, पुष्प, कमंडलू लिए रहती हैं। पर आज मैं ज्ञान की बात कहता हूँ। जिस गायत्री माता का हम जप करते हैं, उपासना और अनुष्ठान कराते हैं, उसकी फिलॉसफी, उसका तत्व ज्ञान, उसका सार, प्रकाश और मूल बताना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि खुले दिल से, खुले मन से आपको हम असलियत समझा सकते हैं कि आखिर गायत्री माता क्या हो सकती हैं, जिसका हमें जप करना चाहिए और जप करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, जिसके लिए हम आपको बार बार कहते हैं। जो सिद्धियों की, चमत्कारों की देवी हैं, जो शांति की, वरदान की देवी हैं, जो ऐसी देवी हैं जिसको प्राप्त करने के बाद में और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता, वो गायत्री मंत्र जो गुरु वशिष्ठ के पास था, जो विश्वामित्र के पास था, जिन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर जंगल में तप करने के बाद गायत्री माता का साक्षात्कार किया था और जिसने कहा था, धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। मैं आपको उसी गायत्री मंत्र को बताना चाहता हूँ जो आपको निहाल कर सकता है, धन्य कर सकता है और आपको चमत्कारी बना सकता है, महामानव बना सकता है, देवता बना सकता है और भगवान बना सकता है। वो गायत्री मंत्र जो
महम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम प्रदान करता है। ब्रह्म तेजस और ब्रह्म वर्चस प्रदान करता है। वो गायत्री माता का प्राण है जिसका हमने कलेवर शक्ल बना करके रखा है। अन्यथा जो निराकार शक्तियां हैं वे देखी और दिखाई नहीं जा सकती, उनकी शक्लें नहीं होती। ठंडी गर्मी प्रेम मोहब्बत क्रोध जैसी संवेदनाओं की शक्ल नहीं हो सकती। भगवान की केवल संवेदनाएं विचारनाएं प्रेरणाएं निष्ठाएं आस्थाएं और अनुभूतियां हो सकती हैं, उनकी कोई शक्ल नहीं हो सकती। शक्ल हमारी कल्पना है। कल्पना इसलिए है कि हमको निष्ठा तक पहुंचाने के लिए रास्ता मिल जाए। जिस तरह इंजेक्शन की सुई शरीर के भीतर रक्त में दवा पहुंचा देती है, उसी प्रकार शक्लों के माध्यम से हमारा मस्तिष्क किसी चीज़ को पकड़ सकता है। शक्ल के बिना नाम और रूप के बिना हमारी स्मरण शक्ति और दिमाग की बनावट काम नहीं कर सकती और हम उन संवेदनाओं को पकड़ नहीं सकते। इस संवेदना को निष्ठा और आस्था को पकड़ने के लिए हमने शक्लों की मूर्तियों की कल्पना की है। गायत्री माता क्या हो सकती हैं, अब मैं उसके शक्ल की व्याख्या करूँगा। गायत्री माता बेटे एक जवान स्त्री का नाम है, जैसे कि हमने फोटो में छापा है और मंदिर में स्थापित किया है। जवान स्त्री इसलिए कि उसके प्रति तेरे भीतर मात्र बुद्धि पैदा हो, आँखों में शुद्ध पवित्रता का भाव पैदा हो, क्योंकि मनुष्य भावना और ईमान दो बातों में सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, एक धन को देखकर और दूसरा एक पैसे को देखकर आदमी भ्रष्ट हो जाता है। दूसरे विपरीत सेक्स की जवानी देखकर ना जाने कैसे शैतान दिमाग में आ जाता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने कर्तव्यों को भी भूल जाता है। कामनी और कांचन दोनों को देख करके जो अपने ईमान को सही रख सकता है, उसे कह सकते हैं कि आदमी बहादुर है, शूरवीर है। इसके पास वो शक्ति है जिसका नाम ब्रह्म वर्चस है। जिसके पास ब्रह्म वर्चस है वो आदमी को भी मजबूर कर सकता है कि आप आइए जमीन पर और हमारे सामने खड़े हो जाइए। भगवान को इसके आधार पर हम खड़ा कर सकते हैं। भगवान को इसके सामने नत होना पड़ता है। मित्रों, ब्रह्म वर्चस और ब्रह्म तेजस व शक्ति है जो भगवान को अपना भक्त बना लेने के लिए मजबूर कर देती है। ये ब्रह्म तेजस कहाँ से आता है? चरित्र में से आता है। पूजा चरित्र के लिए है, पूजा से भगवान नहीं मिल सकते। पूजा हमारा माध्यम है, लक्ष्य नहीं। पूजा के माध्यम से हम अपनी चरित्र निष्ठा विचारशीलता और आंतरिक उदारता का विकास करते हैं। उपासना इसी के लिए की जाती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा। आज के लिए इतना।